हेलो दोस्तों, जिंदगी में यदि कामयाबी पाना है ना तो दो चीज़ चाहिए। जिंदगी में यदि कामयाबी पाना है तो आपके पास दो चीज़ होना चाहिए। पहला, अज्ञानता। क्यों? क्योंकि जब तक अज्ञानता नहीं होगा तो आप शुरू से सीखेंगे कैसे? आप पूरा यदि ज्ञानी हो जाएंगे तब तो सीखेंगे नहीं, लेकिन जब आपके पास अज्ञानता रहेगा ना तो आप क्या करेंगे, शुरू से सीखना पसंद करेंगे, जीरो लेवल से सीखना पसंद करेंगे, समझे? और दूसरा, आत्मविश्वास। किसी भी हो, कोई भी टीचर हो, आप मन से अपने अंदर के विश्वास से उनके साथ लग जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों, मैं ही हूँ आपका भाई राहुल कुमार तिवारी, आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों, आज हम आपके लेकर सामने आए हैं घातांक और करनी, यानी कि सर्च एंड इंडाइस। इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि घातांक क्या होता है, घातांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, घातांक का मतलब होता है कि घात का अंक। घातांक का मतलब क्या हुआ, घात का अंक। अच्छा, यहां पर जैसे देखिए कि हमने लिखा कि a के पावर n, ध्यान दीजिएगा a के पावर n, इसी पावर को ही हम क्या कहते हैं, इसी पावर को हम घातांक कहते हैं, इसी पावर को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। और ये जो हुआ मेरा, ये हुआ मेरा आधार, बेस। क्या हुआ, इसको हम आधार बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं घातांक। घातांक का अर्थ होता है घात का अंक। ठीक है, घातांक का मतलब क्या होता है, घात का अंक, यानी कि आधार जो दिया है इसके पावर में कितना है उसको बोलते हैं। मान लीजिए कि जैसे दिया है कि a के पावर m, ठीक है, यानी कि a हुआ आपका आधार और m हुआ इसका घातांक, और इसका पावर दे दिया n। अगर ऐसे दिए हो तो क्या करेंगे कि a के पावर m के पावर n ऐसे बोलते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि a मेरा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि a मेरा आधार है और ये पावर में क्या होता है, इन दोनों में हो जाता है गुना, यानी कि m गुना n। इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, अगर आपके पास आ जाए कि a के पावर m गुना a के पावर n तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि a के पावर m और a के पावर n के बीच में गुना हो जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर मेरा ये जो है क्या है, आधार है। जब आधार बराबर होता है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जब आधार बराबर हो तो पावर को जोड़ देते हैं। अच्छा, यदि a के पावर m और भागा में दे देवे कि a के पावर n तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये गुना में था ये भागा में, तो इसका हो जाएगा कि जब मेरा आधार बराबर हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब आधार बराबर हो तो पावर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम घातांक के बारे में समझते हैं। अब आइए करनी क्या होता है, करनी के बारे में हम आपको बताएंगे कि करनी क्या होता है। करनी में भी कुछ खास नहीं है, बट समझना इसका जरूरी है। देखिए, करनी का ये साइन होता है, ठीक है, ये करनी जो मिस्त्री लोग यूज करते हैं ना, करनी उसी टाइप का है करनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर लिख दिया कि a के पावर n, ठीक है, और इसके पावर लिख दिया m, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करनी है और ये आ जाएगा m, इसके साथ गुना हो जाए, a के पावर n गुना m, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, रूट, इसको हम रूट भी बोलते हैं, करनी को क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। रूट जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर के रूप में आ जाता है। रूट बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर के रूप में आता है, क्योंकि यहां पर दो छिपा रहता है, यहां पर दो छिपा रहता है, इसलिए यदि यहां पर तीन हो तो क्या होगा, यदि यहां पर तीन हो तो क्या होगा। अच्छा, और एक चीज, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे दे दिया हो और यहां पर दिया हो आपके पास हो 27, ऐसे दिया हो तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि इसको तोड़ेंगे कैसे, यहां पर तीन ही रह जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तीन गुना तीन गुना तीन, तीन का मतलब हुआ कि तीन को जब मिल जाएगा तो एक तीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। यदि आपके पास लिख दे दो रूट दो, ऐसे लिख दें, ठीक है, और इस रूट, इस दो को इसके अंदर डालना हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब ये इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर बन के जाएगा, क्या बन के जाएगा, स्क्वायर बन के जाएगा, यानी कि हो जाएगा रूट अंडर आठ। कैसे, देखिए, तो दो जो बाहर में है जब अंदर जाएगा तो दो के स्क्वायर बनेगा तो चार, और अंदर में भी दो है तो चार दूनी आठ। यदि आपके पास दे दिया हो कि तीन और रूट अंडर दे दिया हो तीन, ठीक है,
अब ये जब अंदर, अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो जब भी ये अंदर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा ये हमेशा स्क्वायर बन के जाता है, क्योंकि जब 9 को हम तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, 3 × 3, यानी कि जब 2 को मिलता है तो 1 3 बाहर निकलता है। इसी तरह से जब 3 को अंदर डालना होगा तो हमेशा स्क्वायर बन के जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √27, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 3 = 27। इस तरह से हम घातांक और करनी को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हम कुछ सवाल आपके पास लिखते हैं जिसको आप अच्छे से समझिएगा सवाल, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सवाल है कि अगर 243, ठीक है, 243 के पावर यदि दिया हो 3/5, ऐसे 243 के पावर दिया हो 3/5, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 243 को तोड़ेंगे, ठीक है, 243 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ते हैं, उसके बाद हम, तो सबसे पहले देखिए 3 से जाएगा, 3 × 24, 3 × 3, फिर 3 से जाएगा 27, 3 × 9, 3 × 3 कै गो आया, 1 2 3 4 5, 5 को क्या आया, 3 आया। कहने का मतलब कि 3 के पावर 5 और इसका पावर दिया है 3/5, फिर क्या होगा, अभी हम आपने बताया था आपको कि यदि a के पावर m हो और इसका पावर n हो तो इन दोनों में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी कि 3 के पावर 5 और गुना में ये आ जाएगा 3/5, 5 5 कैंसिल, क्या मिला, 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 का गुना 3 बार, यानी कि 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। इस तरह से 243 के पावर यदि 3/5 दिया हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।